यहाँ दूसरी इनिंग्स में मैं खेल रहा हूँ यहाँ पे, पहली इनिंग्स में मुझे उन्होंने आउट कर दिया था, एक्चुअली रन आउट, वो भी बुरी तरह से डिसमिसल हुआ, जिसके बाद अभी मुझे कुछ सोचना पड़ेगा अपनी टीम के लिए। अच्छी परफॉर्मेंस करूँगा तभी जाके मेरी सिलेक्शन होगी, और मैं तो ख्वाब देख रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जाने के, PSL खेलने के। आहा, क्या फील्डिंग की है भाई साहब, 91 पे 2 हमारे आउट हो चुके हैं 26.2 ओवर्स में। अगरचे ये टेस्ट मैच है, लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है ये, यहाँ ऊपर से खेलेंगे तो इजी रहता है 4 रन्स के लिए। ज़बरदस्त यहाँ पे चौका, फिर से 3.58 की ये एवरेज है, 271 का टारगेट हमें अचीव करना है, जो कि आई होप हम करने वाले हैं। पिछली इनिंग्स में मैं रन आउट हुआ, उससे पिछली में मैं कैच आउट हुआ था, सो मेरे लिए इतना कोई इजी नहीं रहेगा, अच्छा कोई मतलब तजर्बा नहीं है। बहरहाल इस मैच में कुछ ठान ली है करने की, लेट्स सी। ओ हो, एडवांस शॉट नहीं खेलने दी, ओवर थ्रो ज़रूर है, और यहाँ पे 2 बन सकते थे, मैंने कुछ ले सी रहा हूँ। आखिरी डिलीवरी बचेगी अगर रन लिया उसने। रेड बॉल बहुत हैवी होती है निस्बतन वाइट बॉल के, और बल्ले पे भी इसकी नाइस जो है वो डिफरेंट होती है। यहाँ क्या नाम है इसका, विल्सन, विल्सन सामना कर रहे हैं, और हरीरी बॉल करेंगे, आखिरी गेंद रहेगी इस ओवर की, लेट्स सी। ये तो वाइड है, 5 गेंदें और 9 रन मेरे हैं, मैं अगले ओवर में अभी आने वाला हूँ। 107 पे हम पहुँचे हैं, 272 याद होगा आपको टारगेट, एक्स्ट्रा कवर में गैप है। एक सिंगल और ये डाइव, ये ठीक है भाई, खानेवाल, ये कौन सी टीम थी, खानेवाल, ये ओवर थ्रो बहुत करते हैं। अब देखते हैं कि ये गुलदाम शेख आए हैं बॉल करने के लिए, और मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे लेग साइड पे कोई छक्का चौका टिका दूँ इसको। चलिए स्ट्रेट ही सही है, ओ कैच, ऊपर चली गई, चलें बच गए हैं, दैट्स वेरी सेफ, खूबसूरत मूछें हैं। व्हाट अ हिट, सुपर डुपर शॉट, और ये जाके गिरी 4 रन्स के लिए। अब हम 116 पे पहुंच चुके हैं, विल्सन भी मेरा साथ दे रहे हैं और 50 भी बना चुके हैं वो, ये अच्छी बात है कि विल्सन 50 कर चुका है, वो अंडर प्रेशर नहीं आने देगा मुझे। जब साथी आपका ज़्यादा गेंदें मिस कर रहा हो तो आपके लिए ये रहता है कि आप प्रेशराइज हो जाते हो। अभी देखते हैं कि ये जो चौथी गेंद है, लेग साइड पे डालेगा, ऑफ पे डालेगा, देख लेते हैं। हाँ ये यहाँ पे मेरी मर्ज़ी की यूँ समझो है, इधर सर्कल के ऊपर से खेलने की जगह भी थी तो आसानी, भारी गेंद है, अगर चे सर्कल के बाहर ले जाना है इसको काफ़ी दिक्कत तलब होता है। मैंने ये फील किया जब रियल लाइफ में हम खेलते थे तो हमें मोटे ग्लव्स पहनने पड़ते थे बैटिंग करते हुए, और काफ़ी हैवी बल्ला ही अच्छा स्ट्रोक दे पाता था, अदरवाइज जो है ये लेदर बॉल जो कि टेस्ट मैच वाली है, रेड बॉल जिसकी बात कर रहे हैं, कि काफ़ी हैवी होती है निस्बतन वाइट बॉल, वाइट इज़ वेटलेस कह सकते हैं, कि बहुत वो हल्की सी होती है और उसकी टाइमिंग निस्बतन अच्छी रहती है। अच्छा एक और बात है कि इस गेंद पे कैच करना भी बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि ये हैवी है, ओवर पिच, अच्छी फील्ड की है भाई साहब ने, और 126 पे हम पहुंच चुके, ये एक सेशन का वक्फा हुआ है,
तो आगे चलते हैं, देखते हैं मेरे साथी की जो इनिंग्स है वो 61 पे पहुंच चुकी है, वो 100 की तरफ बढ़ रहा है और मैं बढ़ रहा हूँ 50 की जानिब। इफ़ आई एम लकी आई विल डू दैट। और यहाँ पे मुझे लगता है कि आउट कर लिया गया है, एंड दिस इज अनलकीली द कैच आउट। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट गेम प्ले। बट यहाँ पे ये है कि देख लेते हैं हमारी टीम जीतेगी या हारेगी, ये देखना अभी बाकी है। ये 174 बना लिए, बस जीत गए हम। अच्छी बात यही है कि हमारी टीम जीत चुकी है। बाय बाय।